मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर वार दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने गुरुवार को ट्विटर पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया। इसी को लेकर गोहाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट कर बीजेपी पार्टी का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। विधायक मलिक ने कहा कि आज देश में हिंसा का माहौल बना दिया गया है, जहां ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है। बीजेपी पार्टी एक बदले की भावना से ऐसा कर रही है और देश में ऐसा माहौल पैदा कर रही है। बीजेपी कांग्रेस को सनातन धर्म विरोधी का प्रचार कर रही है। राहुल गांधी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में बीजेपी पार्टी इस प्रकार की टिप्पणी कर रही है जो ठीक नहीं है, और उसी के विरोध में आज बीजेपी का पुतला दहन किया गया। टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आज राहुल गांधी का ग्राफ इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी को बढ़ चुका है कि आज उनको हर तरफ राहुल गांधी नजर आता है, और हम इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी सर्वधर्म, सब जातियों का, सब धर्मों का समान आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबका सम्मान करते हैं, चाहे सिख हो। तो आपने देखा मंदिरों में भी जाते हैं, उज्जैन तक के मंदिरों में गए हैं, गुरुद्वारा अमृतसर तक के गए हैं, सब जगह मस्जिदों में गए हैं। तो राहुल गांधी सबका बराबर का सम्मान करते हैं, सब धर्मों का, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए, ये छवि बनाने के लिए, ये हिंदुओं के खिलाफ है। बीजेपी ने ऐसा बयान दिया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सारे हरियाणा में, क्या देश में, सड़कों पे है, और हम भी जो है बीजेपी का पुतला फूंकने के लिए जो है ये कांग्रेस पार्टी के सारे साथी आए। लेकिन बयान तो किसी का नहीं आया, किसी लीडर का बयान नहीं आया। ये बयान आया हुआ है, बयान का आपको ये दिखाते हैं, आपको जारी हुआ है, दिखाते हैं, ट्वीट आया है, ट्वीट पे ये सारा कार्रवाई हुई। उन्हें बीजेपी वालों ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन। जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर को रावण बताकर उनकी छवि को खराब कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने राहुल गांधी की असलियत देखी है। राहुल गांधी सभी धर्मों और जातियों का सम्मान आदर करते हैं। खैर, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।